वेलकम टू क्रंच आई होप यू ऑल आर वेल तो स्टार्ट करते आज से हमारी एक नई प्ले लिस्ट जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल सिलेबस आपके कॉन्स्टेबल एग्जाम का ठीक है तो काफी लोग डर गए हैं सिलेबस को देख के खास वो जिन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है तो उनके लिए डिफरेंट होगा Uh, मैं ये तो नहीं कहती कि बहुत इजी है पर हाँ अगर आपको जैसे अच्छे से समझाया जाए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए तो यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस सिलेबस एंड दिस होल सम फोर्टी मार्क्स ठीक है तो कम भी नहीं है ऐसा नहीं है जिसको आप इग्नोर कर दो आपके लिए जो सिलेक्शन का फैक्टर है मेक और ब्रेक वो आपके टेक्निकल सिलेबस से ही होगा फाइन तो ये जो सीरीज़ है इसको कंप्लीट देखना डू वॉच द वीडियो टिल दी एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कराने की कोशिश करूंगी ये कंप्लीटली सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी फिर इफ़ यू वांट टू जॉइन माय टेस्ट सीरीज तो उसके लिए आपको मेरी करंट करंट ऐप डाउनलोड करनी होगी वहां से यू कैन एनरोल या आप नई तहसीलदार कोर्स सब इंस्पेक्टर जेके सोशोलॉजी ऑप्शनल कोई भी कोर्स अगर किस लेना चाहते हैं एनरोल करना चाहते हैं तो वो आप मेरी जो ऐप है वो डाउनलोड करके कर सकते हैं या अगर आप आई यूजर हैं तो आप नीचे जो लिंक दी है मेरी वेबसाइट की वेबसाइट से जाके भी कोर्स एनरोल कर सकते हैं ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा टेक्निकल सेलेबस अब अगर आपने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है यू you नो know कि मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ पॉलिटी जोग्राफी एंड ऑल दैट सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ा पाती हूँ वो मैं क्योंकि ऑब्वियसली मेरा सिविल सर्विस का एक्सपीरियंस काफ़ी सालों का है एंड देन मैं आपको सोशलॉजी पढ़ाती हूँ क्योंकि उसमें मेरे जो हायर स्टडीज़ हैं मेजर्स वो सोशलॉजी में है एंड मैं टेक्निकल सिलेबस अब इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग ही की है एम बी टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो ये जो कॉम्पोनेंट्स हैं ये कोर है मेरी डिग्री के तो ये मैं आपको ये मैं मिस नहीं करना चाहती थी मैं चाहती थी कि ये मैं आपको ये तो मैं आपको पढ़ा ही दूँ ठीक है क्योंकि मैंने अपनी पूरे चार साल में यही सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो यू हैव कम एट द राइट प्लेटफॉर्म आपको अब इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं इतने आसानी से और इतने आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी ठीक है तो लेट्स गेट स्टार्टेड इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ होगा वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम अपलोड कर दूंगी वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से जो कि है आपका रेडियो कम्युनिकेशन रेडियो कम्युनिकेशन अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वहां पे रेडियो कम्युनिकेशन लिखा होगा एंड इसके अंडर फिर सब टॉपिक्स है मॉड्यूलेशन, एम मॉडुलेशन एफ एम वगैरह ठीक है तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम क्या करेंगे हम डायरेक्टली सिलेबस जंप नहीं करेंगे मॉड्यूलेशन क्या होता है मैं आपको सीधे डेफिनेशन से एक्सप्लेन करूँ हम वो नहीं करेंगे हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से एटलीस्ट वन वीडियो विल बी डेडिकेटेड टू दिस जिसमें मैं आपको ये समझाऊँ कि रेडियो कम्युनिकेशन होता क्या है जब आपको यही नहीं अगर पता होगा बेसिकली रेडियो कम्युनिकेशन क्या है तो आपको मॉड्यूलेशन कैसे समझ में आएगी फाइन देखो ये इंजीनियरिंग है इंजीनियरिंग में रटा नहीं चलता आपको इसमें भी कुछ रटना नहीं है आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं एंड उस बेसिस पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं इसमें आप क्या गलती नहीं करेंगे कोई स्टूडेंट क्या करते हैं सिर्फ कोई एमसीक्यू की बुकलेट ले ली और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने बैठ गए इस टाइम पे या दिमाग में ये आया कि अब तो ये सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा तो बेस हम क्या करेंगे बस एमसीक्यूज याद करके जाएं ऐसे यूट्यूब वीडियोज देखें जहां पे एमसीक्यू सिर्फ सॉल्व किए हैं इससे आपका जो पर्पस है सिलेक्शन का वो सर्व नहीं होगा हाँ आपका ईगो सेटिसफाई जरूर हो जाएगा कि आपने थाउजेंड एमसी कर लिए हैं बट दैट विल नॉट सर्व एनी पर्पज जब तक आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है फाइन तो हम स्टार्ट करेंगे आज बिल्कुल एक बेसिक चीज से रेडियो कम्युनिकेशन पहले आप मुझे बताओ आपको पता होगा आई एम श्योर कि कम्युनिकेशन क्या होता है वट इज कम्युनिकेट करना अभी मैं क्या कर रही हूँ मैं कोई आपको कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही हूँ कोई मैसेज पास कर रही हूँ

रेडियो वेव्स को बना के एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन रेडियो वेव्स एज मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ठीक है जब हम कम्युनिकेट करेंगे रेडियो वेव्स को बना के एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन वो आपका हो जाएगा रेडियो कम्युनिकेशन ठीक है अब देखो अब आप बोलोगे रेडियो वेव क्या है वो आपको पता नहीं होगा ऑब्वियसली तो थोड़ा हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे आपने स्कूल में आपने पढ़ी होगी फिजिक्स पढ़ा होगा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी हैं। आपको जितनी डिटेल इसके लिए चाहिए मैं उतनी ही डिटेल दूंगी क्योंकि आपके बेसिकली कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम आप जेई का एग्जाम नहीं दे रहे हो तो हमें वो चीजें भी ध्यान में रखनी है कि आपको कितनी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए ठीक है ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए आप इंजीनियरिंग तो नहीं करें ना है तो ये कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर का एग्जाम ही ये बात ध्यान में रखना तो पहले रेडियो वेव्स क्या होती है उससे पहले हम इस पे आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं ये बेसिकली दे आर अ टाइप ऑफ एनर्जी आप बोल सकते हो वेव्स ये एक टाइप ऑफ वेव या एनर्जी होती है दैट ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस दैट ट्रेवल्स टू द स्पेस at the speed of light. ठीक है अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना ये हमारे आसपास प्रेजेंट होती है हर जगह प्रेजेंट होती है Fine? And depending upon कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या, क्या है हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं एंड उसी में एक कैटेगरी है आपकी रेडियो वेव ठीक है अब देखो कैसे हमारे आसपास पास ये वेव होती हैं हम माइक्रोवेव में खाना बनाते हैं दैट मीन माइक्रोवेव रेडिएशन आपका हीट मॉलिक्यूल्स वो सारा काम करते हैं आपका जो फूड है उसके उसको हीटअप करता है वो भी आपका जो है रेडिएशन पे डिपेंड करता है माइक्रोवेव रेडिएशन पे हम रिमोट कंट्रोल से टीवी ऑपरेट करते हैं वो भी आपका वेव से चलता है ठीक है हम वाईफाई यूज करते हैं घरों में ये एक्चुअली हमारे लिए जो काफी ईजी है कि हम हाँ वाईफाई कनेक्ट कर हो गया तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है बिहाइंड द कर्टन वेव्स ही घूम रही है जो ये सारी नेटवर्किंग पॉसिबल करवा रही है वो बेसिकली दे आर नथिंग बट अ सेट ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इन वेव्स का वेवलिंग स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है उसी के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स आती है जैसे उसी में से एक है आपकी रेडियो वेव रेडियो वेव ठीक है जैसे मैंने आपको माइक्रोवेव की एग्जाम्पल दी वैसे ही आपकी माइक्रोवेव इंफ्रा रेड विजिबल विजिबल लाइट यूवी एक्सरे एक्सरे वेव एंड गेज हमें ये सारी नहीं पढ़ना हमारा काम किससे रेडियो वेव से, से. क्यों क्योंकि जो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है दैट इज रेडियो कम्युनिकेशन तो रेडियो कम्युनिकेशन जो है इसका सारा किस पे बेस्ड है बेसिकली इसमें मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन कौन है कम्युनिकेशन में रेडियो वेव तो इन रेडियो वेव्स को हम यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर रेडियो कम्युनिकेशन जो हमें यहाँ पे पढ़ना है ठीक है अब ये जो रेडियो वेव्स होती हैं मैंने आपको कहा जो ये सारी वेव्स हैं जो आपके बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सारी कैटेगरीज हैं ये हमने किस बेसिस पे इनको अलग अलग किया है ऑन द बेसिस ऑफ इनके वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी अब ये याद रख लेना जो रेडियो वेव्स हैं दे हैव द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ लॉन्गेस्ट वेव लेंथ एंड दे हैव द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ठीक है अब आप बोलोगे मैम हमें ये भी नहीं पता वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या है तो मैं आपको बोलूंगी इट्स ओके okay. ये बातें हमें रटी हुई हैं हमने इंजीनियरिंग में भी रटते हैं फिजिक्स स्कूल में पढ़ते हैं तब भी रटते हैं लेकिन हमें इसका बेसिक नहीं बेसिकली पता होता तो मैं आपको आसान लफ्जों में बताती हूँ वेव लेंथ सिंपली आपकी वेव कितनी लंबी है हाउ लॉन्ग द वेव इज देखो वेव लेंथ आप यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हो वेव लेंथ बेसिकली हम ऐसे दिखाते हैं ये अगर एक वेव है ये मान लो ठीक है तो ये इसको हम पीक बोलते हैं वेव का एंड इसको हम ट्रफ बोलते हैं मैंने आपको क्या लिखा हाउ लॉन्ग द वेव इज तो इस पीक से लेकर इस पीक तक इस ट्रफ से लेकर इस ट्रफ इस ट्रफ तक दैट इज योर वेव लेंथ हम देख रहे हैं वेव कितनी लंबी है जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ना फ्रीक्वेंसी आप मान लो जिसको हम बोलते हैं तेजी कितनी तेजी से कोई काम कर रहा है अगेन आप इमेजिन करो आप उस बीच पे हो एंड जो लहरें हैं पानी की वो आ रही हैं अब आप काउंट करो एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम में लाइक like, एक सेकेंड में या एक मिनट में कितनी वेव्स हिट करती हैं शोर पे हाउ मेनी वेव्स हिट द शोर ये उसका ये शोर है ये शोर है ठीक है और यहां से वेव्स आ रही है पानी की अब आप जस्ट इमेजिन करो एक सेकंड में कितनी वेव्स हिट कर रही हैं दैट इज द फ्रीक्वेंसी ठीक है उसको बोलते हैं कितनी तेजी से वो वेव्स जो है वो आ रही हैं एंड वेव लेंथ द लेंथ ऑफ द वेव जब एम्पलीट्यूड बोलते हैं आगे आप और एक टर्म पढ़ोगे एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मान लो हाइट ठीक है हाइट होता है एम्पलीट्यूड जब हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है तो हाइट कम ज्यादा हो रही है ऐसे ऐसे और जब हम बोले फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी या तो मतलब वेव्स इतनी आ रही हैं या ऐसी फ्रीक्वेंसी हो गई है ऐसी फ्रीक्वेंसी हो गई है ठीक है ये रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी एंड कितनी हाइट कम ज्यादा हो रही है दैट इज योर एम्पलीट्यूड ये जब हम मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे चीज आपको क्लियर हो जाएगी तो वहां पे चीज जो है दोबारा से हमें डिस्कस करनी है तो ये हो गया आपका अभी तक हमने क्या डिस्कस किया हमने रेडियो वेव्स के बेसिस पे जो कम्युनिकेशन होती है दैट मीनस को हम मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन जब रेडियो वेव्स को लेते हैं दैट इज योर रेडियो कम्युनिकेशन एंड रेडियो वेव्स क्या होती है वो हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो पार्ट है जिसकी लॉन्गेस्ट वेव होती है एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है अब आप देखो अगर हम फोन पे बात करते हैं तो जो हमारी आवाज है जो सिग्नल्स में ट्रांसमिट होती है अगर हम लैंडलाइन से बात करेंगे तो वायर्स के थ्रू होता है ठीक है थ्रू वायर्स ये समझना आसान है आप अपने घर में बैठे हो लैंडलाइन से बात कर रहे हो दूसरे फ्रेंड पे फ्रेंड के साथ वो भी लैंडलाइन यूज कर रहा है तो वायर्स के थ्रू सारा ट्रांसमिट हो रहा है अब जब मैसेज हमारी वायरलेस होगी दैट मीन्स हम मोबाइल फोन से बात करें तो कोई वायर नहीं है तो कोई तो मीडियम होगा ना जो हमारी मैसेज को दूसरे तक पहुंचाएगा दैट मीन्स वायरलेस कम्युनिकेशन होगी और वो मीडियम आपका क्या है रेडियो रेडियो वेव्स एंड दैट इज योर रेडियो कम्युनिकेशन वही हमारा यहाँ पर सिलेबस है जो हमें डिस्कस करना है यानी जो मॉड्यूलेशन वगैरह है सारा उसी में ही आता है अब रेडियो कम्युनिकेशन चैप्टर का नाम उन्होंने लिखा हुआ है तो देयर आर चांसेस आपको रेडियो कम्युनिकेशन के बेसिक्स का भी कुछ पूछा जाए तो आई एम श्योर कि अगर आपको रेडियो कम्युनिकेशन पूछा जाएगा तो आपको पता होगा एंड आप डायरेक्टली मॉड्यूलेशन स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपको यही नहीं पता है कि रेडियो वेव्स क्या है तो रेडियो वेव्स की जो वेव लेंथ है वो काफ़ी लंबी होती है ऑलमोस्ट वन एम एम टू हंड्रेड एम एम ये आप नोट डाउन कर सकते हो एंड इनकी फ्रीक्वेंसी भी होती है अप थ्री हंड्रेड गेगा हर्ट ठीक है रेडियो रेडियो वेव्स अब कम्युनिकेशन में आपको बोल रही हूँ तब से रेडियो कम्युनिकेशन रेडियो कम्युनिकेशन नाउ आई गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल कि ये रेडियो कम्युनिकेशन होता क्या है इमेजिन हमारे पास दो लोग हैं पर्सन बी ठीक है ये मान लो मैं ही हूँ कुरत ये मेरी फ्रेंड है गरिमा ठीक है मैं हूं श्रीनगर मेंरे है पंजाब में ठीक है अब मैं आपको बताऊंगी रेडियो कम्युनिकेशन होता क्या है यहाँ इसमें हम कुछ टेक्निकल चीजें भी बीच में देखेंगे हो सकता है आपको एग्जाम में उनमें से भी क्वेश्चन आ जाए तो जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आप साथ साथ नोट डाउन करते जाओ मुझे क्या करना है हमें कम्युनिकेशन करना है मोबाइल फोन से तो हमारी रेडियो कम्युनिकेशन होगी वायरलेस होगी ठीक है तो पहली क्या चीज करूंगी मैं मैं अपना सेल फोन लूंगी और उस पर नंबर डायल करूंगी नाइन 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 दस्ट थिंग दैट विल हैपन इज जब मैं नंबर डायल करती हूँ तो मेरे टॉवर जो है मेरे कनेक्शन का दैट मीन जियो का उसको पता है कि जियो का नंबर है जो किसका नंबर है गरिमा का मैंने डायल किया वो क्या करेगा उसको पता है उसको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है दूसरे एक टॉवर के साथ जिसकी लोकेशन कहीं पंजाब में है तो ये जो फोन नंबर है गरेमा का इट विल एक्ट एज एन एड्रेस कि अब इसके पास एक एड्रेस है ठीक है ये जो सेलफोन डायल किया वो सिग्नल गई टॉवर को टॉवर को पता है कि उसके पास अब एक एड्रेस है वो एड्रेस लेके गया वो पंजाब पहुंचा क्योंकि जो नंबर था नाइन 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 वो पंजाब का था तो पहली चीज हो गई एड्रेस पता चल गया कि जो आप में फर्दर मैसेज बोलने वाली हूँ उसको किस एड्रेस पे जाना है ठीक है ये हो गया अब आपको ज्यादा क्योंकि आप टेलीकम्युनिकेशन नहीं पढ़ रहे हो बेसिकली इसमें इंजीनियरिंग वाला तो आपको उतनी डिटेल इसमें नहीं देखनी है मैं बस आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रही हूं अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ कुछ फैक्ट्स जो मैं आपको बताऊंगी जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं पहले हो गया कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया सेकेंड चीज क्या होगी मैं फोन मिलाती हूँ गरिमा फोन रिसीव करती है मैं उसको बोलती हूँ हाई गरेमा हाव यू ठीक है अब मैंने हाई हवा यू बोला और उसका फोन वहां पे स्पीकर पे है एंड उसने सुना ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो रहा है ऐसा नहीं मैं हाय बोल रही हूँ और एक घंटे के बाद गरिमा वहां से हाय रिप्लाई कर रही है वो मेरा हाय एक घंटे के बाद सुन रही है ऐसा नहीं है ये सारा सेकेंड में हो रहा है बेसिकली आपको इसमें क्या देखना है जो बात मैंने यहाँ पे श्रीनगर में बैठ के की एंड मेरी फ्रेंड ने ये बात पंजाब में सुनी तो ये बात वहां तक कैसे पहुंची ठीक है तो जैसा कि मैंने आपको बताया रेडियो कम्युनिकेशन में क्या होता है कम्युनिकेशन वाया रेडियो वेव्स तो ये रेडियो वेव्स कैसे बनी और वहाँ तक कैसे पहुंची वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है तो होता कि आपके फोन में एक माइक्रोफोन होता है जब मैंने हाई बोला तो मेरे उस फोन को मेरे उस हाई को माइक्रोफोन ने या मेरी आप वॉइस को बोलो माइक्रोफोन ने कन्वर्ट किया इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो सिग्नल गई ट्रांसमीटर के पास हर फोन में रेडियो में तो आपको आ सकता है कि रेडियो में कौन कन्वर्ट करता है एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल कौन कन्वर्ट करता है ठीक है फिर ट्रांसमीटर के साथ अटैच होता है एक एंटेना जो क्या करेगा रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट कर देगा ठीक है, तो मेरा जो हाई माइक्रोफोन ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया ने उस को रेडियो में कन्वर्ट किया, और इसके ने वो रेडियो हवा में फैला दी फाइन अब उनको कहाँ पहुंचना है अब उनको पहुंचना है पंजाब तो ये जो हमारा साइड है ये ट्रांसमीटर साइड हो गया अब रिसेप्शन की बात आ गई अब किसकी बात आ गई रिसीव करने के सिग्नल को तो होता क्या है जो ये रेडियो वेव्स हवा में फैल गई कोई इसको कैच करेगा और अपनी जगह तक लेके आएगा एक मिडल मैन एक्ट करेगा वो मान लो सेल टॉवर सेल टॉवर ठीक है टॉवर क्या करेगा इस रेडियो वेव्स को इसको पता है कि इसको किस एड्रेस पे जाना है क्योंकि इसके पास इसका फोन नंबर है अब ये जो इन बिटवीन हो रहा है जब ये रेडियो वेव्स यहाँ से आ रही हैं और इस सेल ऑवर एक मिडिल मैन इसको कैच कर रहा है वो बीच में एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती हैं वो डिजिटल सिग्नल में क्यों कन्वर्ट होती हैं क्योंकि उनको काफ़ी फास्ट ये प्रोसेस करना होता है मैंने आपको पहले ही कहा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये हो जाता है ना मैं हाई यू बोलती हूँ और पंजाब में बैठी मेरी फ्रेंड हाई यू सुन लेती है तो ये सारी चीज़ें सीमलेस हो जाए काफ़ी फास्ट हो जाए इस वजह से क्या होता है रेडियो वेव्स बीच में एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती हैं ठीक है तो जबी मैसेज मेरी कहां पहुंचती है अब नियरेस्ट टावर कहाँ पे पंजाब क्योंकि उसके पास फोन नंबर है उसको एड्रेस है उसको उसको पता है कहाँ जाना है तो वो सेल टावर से क्या होता है जो भी क्लोज टू मेरी फ्रेंड जो मैंने एग्जाम्पल ली थी गरिमा ये डिजिटल सिग्नल जो है जो कन्वर्ट हुई थी बीच में डिजिटल सिग्नल में दोबारा कन्वर्ट हो जाती है रेडियो वेव्स में एयर टू गरिमाज फोन ठीक है एक बार फिर से बोलती हूँ मैंने हेलो बोला माइक्रोफोन ने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया ट्रांसमीटर ने आ, क्या किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट किया रेडियो वेव्स को फिर एंटीना ने ट्रांसमिट कर दिया वो पहुंची एक मिडिल मैन के पास जो कि आपका सेल टॉवर है ठीक है उस सेल टॉवर ने क्या किया उस डिजिटल सिग्नल को फिर से रेडियो वेव में कन्वर्ट किया और उसको गरिमा के फोन तक भेज दिया ठीक है अब हम आएंगे रिसीवर एंड पे हमारे पास क्या क्या है रिसीवर एंड पे अब जो गरिमा का फोन है उस फोन वो क्या करेगा वो कैच करेगा इन रेडियो वेव्स को कैचेज दीज रेडियो एक रिसीवर एंटेना से मैंने कहा हर किसी के फोन में ट्रांसमीटर भी होता है एंड रिसीवर भी होता है रिसीवर एंटेना से वो रेडियो वेव्स को कैच कर लेगा ठीक है एंड वो जो रेडियो वेव्स हैं उनको कन्वर्ट करेगा बैक इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो आपके ट्रांसमीटर ने क्या किया था इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट किया था रेडियो वेव्स ने अब जो रिसीवर एंड पे रिसीवर लगा है उसने रेडियो वेव्स को दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके पास जाएंगे फोन के स्पीकर के पास फोन स्पीकर वो फोन स्पीकर क्या करेगा इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इनटू साउंड वेव्स कन्वर्ट करेगा इनटू साउंड वेव्स वो कौन सी साउंड वेव्स होंगी हमारी वॉइस ठीक है एंड मेरे से बहुत हजार किलोमीटर्स दूर बैठी मेरी फ्रेंड मेरा हाय हवायू सुनेगी तो ये सारा किससे हो रहा है ये रेडियो वेव से हो रहा है ये आपको बताना इंपॉर्टेंट था फर्स्टली बिकॉज हो सकता है ये ट्रांसमीटर कौन कन्वर्ट कर रहा है कैसे हो रहा है इसमें से आपको फैक्चुअल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए एंड जो आगे पढ़ने वाले मॉड्यूलेशन क्या होता है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए वेव्स का थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ठीक है ये क्या हो रहा है तो ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपकी ठीक है तो यहाँ से सारी आई डोंट थिंक रिपीट करने की जरूरत है मैंने कई बार रिपीट कर लिया तो ये था आपका सारा सेटअप कैसे होता है रेडियो कम्युनिकेशन का अब अगर आपको ये समझ में एक गो में नहीं आया विच आई एम श्योर कि आपको आ गया होगा नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हो फाइन तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडुलेशन से स्टार्ट करेंगे पहले मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ऐसे ही विद एग्जाम्पल जैसे आज मैंने आपको डायरेक्ट कॉल की एग्जाम्पल बताई रेडियो कम्युनिकेशन कैसे होता है उसमें मैं एक दूसरी एग्जाम्पल लेके आपको मॉड्युलशन का सारा प्रोसेस समझाऊंगी उस प्रोसेस से आपको ट्रस्ट में फिर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर डेफिनेशन की वो जो आप एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे मॉड्युलेशन होता क्या है फिर खुद ब खुद जो जो की आपके सिलेबस में गिवन है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा एग्जाम में कि हर कीवर्ड का क्या मतलब है फिर कुछ फॉर्मूला भी हमें देखनी होंगी फाइन एंड इसके फिलहाल आप ये सारी चीजें कर लो साथ में अपने नोट्स बनाओ जहां जहां पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी एंड मेरे सारे बाकी कोर्सेज के लिए मेरी करंट क्रंच ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियोस कैसे लगे जितना वीडियोज़ को शेयर करो लाइक करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो जितना इस पर जो है प्रमोशन मिलेगा इन वीडियोस का ऑब्वियसली उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि ये कोर्स मैं आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाऊँ तो अगर आप चाहते हो जल्द कंप्लीट हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नए वीडियो में बाय टेक केयर हैव हाँ अ ग्रेट डे